हेलो गाइस, मैं हूँ निकिता और आज मैं बना रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें सिंगदाना डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इसे अच्छे से हमें मीडियम फ्लेम पे भून लेना है ऐसे। तो ये हमारा अच्छे से भून चुका है। तो हमारा सिंगदाना अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे रिफाइंड। और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 6 से 7 करी पत्ते। हमारा मिर्ची अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम 2 बड़े कटे हुए आलू लेंगे पतले। और इसे मीडियम फ्लेम पे रखकर ढक देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा पक चुका होगा। हाँ, इसका पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सेना नमक डालेंगे क्योंकि फास्ट है हमारा, ये फास्ट के लिए बनाया जा रहा है ना। अच्छे से मिक्स करके और ढक देना। ये आलू टूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसे हमें तोड़ना ही है। अच्छे से फिर थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए आप और थोड़ी देर पकने दीजिए। तो चलिए देखिए हमारा हो गया रहेगा। हमारा आलू अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए डाल रहे हैं। टमाटर डालने से थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं। ये अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम अच्छे से तोड़ देंगे। तो फिर जब हम खाते समय ना आलू का इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हो चुका है और हमने पहले से ही साबुदाना को भिगो दिए थे 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये ऐसा है। तो अब इसे हम डालेंगे साबुदाने को। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे थोड़ी देर के ढक देंगे। और जो हमने सिंगदाना भुना था
उसे थोड़ा सा मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड कर देंगे, पूरा नहीं थोड़ा, और इतना बचा देंगे और इसे ग्राइंड कर देंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने इसे इतना ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही किया है देखिए। तो अब इसे हम डालेंगे इसमें, तो इसे ढक देते हैं। लगभग हो चुका है। अब इसमें हमने जो थोड़ा सा सिंगदाना बचाया था वो डालेंगे और थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ। अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। तो इसे पकने देते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरा साबूदाना बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसा हुआ था। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।